कहानी आज की। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज की कहानी आज की में हम मूर्खों का गांव की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था जिसका नाम था मूर्खों का गांव। यह गांव अपने नाम के मुताबिक काफी अजीबोगरीब था। गांव के लोग सरल, भोले भाले और अपने कामों में इतने अनोखे थे कि उनकी हरकतों से लोग खूब हंसी मजाक किया करते थे। इस गांव के लोग हमेशा किसी न किसी नए चमत्कार की कोशिश में रहते, लेकिन उनकी मूर्खतापूर्ण हरकतें ही उनकी पहचान बन चुकी थी। बच्चों, इस गांव के कुछ किस्से सुनते हैं। कहानी गांव का दरवाजा। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, हमारा गांव सुरक्षित नहीं है, हमें अपने गांव के चारों ओर एक बड़ा दरवाजा बनाना चाहिए ताकि हमें दुश्मनों से बचाया जा सके। सबने इस बात पर सहमति जताई। गांव के लोग लकड़ी और पत्थरों का इंतजाम करने में लग गए। दिन रात मेहनत कर उन्होंने दरवाजा तैयार कर लिया। जब दरवाजा बनकर तैयार हुआ तो लोगों को यह समझ में आया कि उन्होंने यह दरवाजा गांव के बीचों बीच बना दिया है, जहां किसी का आना जाना ही नहीं होता। अब सोचने लगे कि इस दरवाजे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तभी एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, चिंता मत करो, हम पूरा गांव उठाकर इस दरवाजे के पास ले चलते हैं, इससे हमारा काम हो जाएगा। गांव के लोगों को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। वे सब अपने अपने घर, खेत और जानवरों को उठाकर दरवाजे के पास ले जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन घरों को खिसकाने के चक्कर में लोग थक कर चूर हो गए। अंत में उन्होंने हार मान ली और दरवाजे को वहीं छोड़ दिया। आगे की कहानी गधे की चोरी का मामला है। गांव में एक किसान का गधा खो गया। उसने सभी गांव वालों को बुलाकर कहा, मेरा गधा चोरी हो गया है, इसे ढूंढने में मेरी मदद करो। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और गधे को ढूंढने निकल पड़े। गधे की तलाश करते करते वे जंगल में पहुंच गए। अचानक एक व्यक्ति चिल्लाया, देखो गधा पेड़ पर बैठा है। सभी लोग ऊपर देखने लगे और कहने लगे, वाकई ये तो गधा है। दरअसल वह गधा नहीं बल्कि पेड़ की एक सूखी टहनी थी जो गधे जैसी दिख रही थी। सबने पेड़ पर चढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गिरकर चोट खा बैठे। अंत में उन्हें समझ आया कि गधा कहीं और है। कहानी तीन, चांद को पकड़ने का प्रयास। एक रात गांव के कुछ बच्चे चांद को देख रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ चांद कितना सुंदर है, क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों ने यह बात गांव के बड़ों को बता दी। सबने सोचा, क्यों ना इस सुंदर चांद को पकड़कर अपने गांव में रख लिया जाए। गांव के लोग बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि चांद का प्रतिबिंब कुएं के पानी में नजर आ रहा है। सबने सोचा यह आसान है, बस बाल्टी को नीचे डालकर चांद को पकड़ लेते हैं। एक आदमी ने रस्सी बांधी और बाल्टी को कुएं में डाल दिया। जब उन्होंने रस्सी खींचनी शुरू की तो बाल्टी फिसल गई और कई लोग कुएं में गिर गए। यह देखकर बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे। चौथी कहानी है दीवार को पकड़कर खड़ा करना।
गांव में एक बार एक दीवार गिर गई। लोगों ने सोचा कि इसे फिर से खड़ा करना चाहिए। उन्होंने दीवार को सीधा खड़ा किया, लेकिन दीवार बार बार गिरने लगी। तब एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, हम सब दीवार को पकड़कर खड़े रहते हैं तो यह कभी नहीं गिरेगी। सभी ने यह उपाय मान लिया। गांव के लोग दिन रात दीवार को पकड़कर खड़े रहे। उन्हें खाना पीना सोना कुछ याद नहीं रहा। लेकिन जैसे ही किसी ने हाथ छोड़ा, दीवार फिर गिर गई। अंत में उन्होंने सोचा कि दीवार गिरती है तो गिरने दो। आखिरकार दीवार बनाने का काम छोड़ दिया गया। पांचवी कहानी, नदी को मोड़ने का विचार। एक बार गांव में पानी की कमी हो गई। गांव के लोगों ने फैसला किया कि वे पास की नदी को अपने गांव तक मोड़ देंगे। उन्होंने कुदाल और फावड़े लेकर नदी की दिशा बदलने की कोशिश की। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद भी नदी का पानी गांव तक नहीं पहुंच सका। तब किसी ने सुझाव दिया, नदी को बुलाते हैं, अगर हम प्यार से बुलाएंगे तो वह खुद ही आ जाएगी। गांव के लोग नदी के पास खड़े होकर चिल्लाने लगे, नदी बहन हमारे गांव में आओ। लेकिन नदी अपनी जगह से नहीं हिली। अंत में सब थक हार कर अपने घर लौट गए। नतीजा, मूर्खों का हंसी मजाक भरा जीवन। मूर्खों का गांव अपनी ऐसी ही हास्यास्पद हरकतों के लिए मशहूर था। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं। उनके लिए उनकी खुशी और आपसी भाईचारा सबसे ज्यादा मायने रखता था। उनका मानना था, अगर हंसना और खुश रहना है तो मूर्खों के गांव में आना सीखो। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि चाहे लोग हमें जैसा भी समझे, जिंदगी में खुश रहना और दूसरों को खुश रखना सबसे जरूरी है।